तो आइए अब हम लेजी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज को समझते हैं, जिसे सेक्शन 108 के पार्ट बी में दिया गया है। क्लॉज डी कहता है राइट्स को बताते हुए, सबसे पहले हम लेजी के राइट्स को समझेंगे, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 108 के क्लॉज डी से लेकर के क्लॉज जे तक। सेक्शन 108 के क्लॉज ए, बी एंड सी में हमने लेजर के लाइबिलिटीज को देखा। अब हम लेजी के राइट्स को जानेंगे फ्रॉम क्लॉज डी टू क्लॉज जे। क्लियर? पहला राइट है क्लॉज डी में राइट टू एक्सेशन। देखो, एक्सेशन का मतलब है इफ द प्रॉपर्टी हैज गॉन इन द पोजीशन ऑफ लेजी एंड लेजी स्टार्टेड यूजिंग इट। मान लो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज के तहत था वो लेजी के पोजीशन में चला गया है और लेजी ने उसका यूज करना शुरू कर दिया है। आगे कहता है बट बाय एनी नेचुरल एक्ट, किसी नेचुरल एक्ट के चलते या किसी ह्यूमन एक्ट के चलते, इफ देयर इज इंक्रीज इन बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लीज प्रॉपर्टी, लेजी विल एंजॉय द एक्स्ट्रा बेनिफिट टिल द अग्रीमेंट। यानी मान लो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा था, अगर उस बेनिफिट में इंक्रीज होता है, इफ देयर इज इंक्रीज इन द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या तो नेचुरल एक्ट के वजह से। एग्जांपल के लिए मान लो ये लीज प्रॉपर्टी था जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था, ठीक है, इसमें किसी क्रॉप का प्रोडक्शन किया जा रहा था। अब मान लो किसी साल ज्यादा बारिश हो जाती है तो प्रोडक्शन जो है वो बूस्ट कर जाता है, तो जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट अराइज होगा राइट टू एक्सेशन के तहत वो किसको जाएगा, वो लेजी को जाएगा। यही है राइट टू एक्सेशन। एक्सेशन एक्सेस वर्ड से बना हुआ है, एक्सेस मीन्स मोर, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि राइट टू एक्सेशन में हमें क्या चीज लिखना है। ऑलराइट, ऑल द एक्स्ट्रा बेनिफिट इफ अराइजिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्ट या बाय नेचुरल एक्ट, वो किसको जाएगा, वो लेजी को जाएगा। क्लियर? कब तक जाएगा? देखो, जब तक अग्रीमेंट है तब तक एक्स्ट्रा बेनिफिट लेजी लेता रहेगा, और जैसे ही अग्रीमेंट खत्म होता है, लीज अग्रीमेंट कंप्लीट होता है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कौन लेगा, अगेन लेजर स्टार्ट टेकिंग द एक्स्ट्रा बेनिफिट। क्लियर? क्लॉज ई कहता है लेजी के राइट्स को बताते हुए राइट टू अवॉइड नेग्लेक्ट और टर्मिनेट द लीज अग्रीमेंट। जो लेजी है वो अग्रीमेंट को नेग्लेक्ट कर सकता है या टर्मिनेट कर सकता है। तब अगर लीज प्रॉपर्टी इफ डिस्ट्रॉय, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है लीज प्रॉपर्टी किसी भी रीजन से, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मे बी मान लो फायर या फ्लड या मॉब या वॉयलेशन ऑफ आर्मी, विदाउट डिफॉल्ट ऑफ लेजी, बिना लेजी के किसी मिस्टेक से, तो बिना लेजी के मिस्टेक के अगर लीज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और यहां रीजंस लिखा गया है फायर फ्लड मॉब वॉयलेशन ऑफ आर्मी, और पर्पस ऑफ लीज जो है वो अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है, तो जो लेजी है वो लीज अग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है।
उसे खत्म कर सकती है। क्लियर? आगे कह रहा है, यदि ओनली अ सर्टेन पार्ट ऑफ लीज प्रॉपर्टी, अगर लीज प्रॉपर्टी का केवल एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ है, राइट, तो दैट पर्टिकुलर पार्ट, तब वो जो पर्टिकुलर पार्ट है अगर अनफिट हो गया है फॉर लीज पर्पज, लीज पर्पज के लिए, तो उस पर्टिकुलर अनफिट पार्ट को लेजी वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एकदम सिंपल वर्ड्स में यहां पर लिखने की कोशिश की गई है, आप ऐसे ही एग्जाम में लिखोगे। क्लियर? अब देखो, क्लॉज एफ, राइट टू डिडक्ट रिपेयर कॉस्ट, यानी देखो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका जो भी रिपेयर कॉस्ट आएगा उसे बियर करना होता है लेजर को। लेकिन मान लो लेजर इग्नोरेंस कर रहा है, he is not making the payment, लेकिन रिपेयर कॉस्ट को बियर करना जरूरी है फॉर प्रॉपर यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लेजी जो है वो उस रिपेयर कॉस्ट को बियर कर सकता है और जो भी रेंट अमाउंट वो पे करेगा उसमें से उस रिपेयर कॉस्ट को वो डिडक्ट कर सकता है। क्लियर? तो राइट टू डिडक्ट रिपेयर कॉस्ट, क्लॉज जी कहता है राइट टू डिडक्ट आउटगोइंग्स। मान लो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस ड्यू है या कोई अदर चार्जेस है, तो इनका पेमेंट करने की जिम्मेदारी लेजर की है। अगेन, अगर लेजर लापरवाही कर रहा है, he is not making the payment, तो लेजी इन आउटगोइंग्स का पेमेंट करेगा और रेंट अमाउंट से डिडक्ट कर सकता है। क्लियर? क्लॉज एच, राइट टू रिमूव फिक्स्चर्स। मान लो लीजी ड्यूरिंग द लीज अग्रीमेंट, लीज अग्रीमेंट के समय या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करते समय उसने कोई चीज अटैच किया उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, सपोज कोई ट्री लगाया या कोई टेम्पोररी वॉल क्रिएट किया, तो आगे कह रहा है ही कैन रिमूव दीज थिंग्स, वो इन फिक्स्चर्स को रिमूव कर सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीज अग्रीमेंट। ठीक है, तो लीज अग्रीमेंट अगर खत्म हो जा रहा है तो उसने अगर कोई चीज उस लीज प्रॉपर्टी पर अटैच किया है, कोई वॉल या कोई ट्री, तो उसे वो रिमूव कर सकता है। ठीक है, और आगे कह रहा है राइट टू रिमूव क्रॉप्स। मान लो जो लीज है वो अनसर्टेन पीरियड का है, ठीक है, और मान लो एक्सेप्ट द फॉल्ट ऑफ लेजी, अगर लेजी का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, और जो लीज अग्रीमेंट का पर्पस है वो भी फुलफिल नहीं है, तो लेजी ने जो भी क्रॉप्स प्लांट कर रखा है वो किसको जाएंगे, भले ही लीज अग्रीमेंट कंप्लीट हुआ है, क्योंकि पीरियड क्या है, पीरियड अनसर्टेन है, तो लीज अग्रीमेंट कभी भी कंप्लीट हो सकता है। तो मान लो लेजी ने कोई क्रॉप प्लांट किया था, अभी उसे कल्टीवेट नहीं किया है, तभी लीज अग्रीमेंट लेजर कह रहा है कि यस अभी कंप्लीट हो गया, और अगर कोई फॉल्ट नहीं है लेजी का, तो लेजी उस क्रॉप को कल्टीवेट कर सकता है, और अगर लेजी नहीं कर पा रहा है तो ये जो क्रॉप्स हैं किसको जाएंगे, लेजी के लीगल हायर्स को जाएंगे। क्लियर? लास्ट आपका राइट टू असाइन इंटरेस्ट। जो लेजी है वो लीज प्रॉपर्टी को सब लीज कर सकता है, यानी किसी थर्ड पर्सन के फेवर में अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो इस सिचुएशन में जो भी लेजी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज थे अब वो शिफ्ट कर जाएंगे उस थर्ड पर्सन पर। क्लियर? आई होप कि लेजी के राइट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे।